लूट का प्रयास किया गया? हमारे पंप पे लूट हुई जिसमें लगभग 1,26,000 एक सेल्समैन यहां से रुपया छीना और मैं वहां खड़ा था, मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया तो मेरी जेब से 2,20,000 रुपए, जिसमें 2,000 के 50 नोट एक थे, 500 के नोट की एक गड्डी थी और एक रबड़ में 10 नोट थे 2,000 के, बाकी थे 500 के, 70,000 वो थे। इस तरह से 2,20,000 मेरी जेब से रुपया गया और 1,26,000 पर सेल हो गया। घटना ये हुई कि मैं यहाँ पंप पे आया अपने, तो सेल्समैन के पास भीड़ शोर शराबा हो रहा था, तो मैं वहां गया तो दो कस्टमर आपस में लड़ रहे थे। एक लड़का विनोद यादव था जिसका जिम चलता है, विजय यादव, वो मोटरसाइकिल से आ रहा होगा तो ये लड़के बस में कहीं जा रहे हो, इन्होंने उसके ऊपर पान या तम्बाकू की पीक पूरी मार दी, पूरा आंध गया, तो इन लोगों के बीच में झगड़े जैसी स्थिति थी। तो मैं चूंकि आया तो मैं वैसे ही तुरंत पंप से उतरा और वहां चला गया पॉइंट पे, तो ये 12-14 लड़के थे, तो हमने इनसे कहा तुम लोग डाले पान मसाला ये सब खाते हो तो कम से कम थूका ताकि देख के करा करो जो किसी ऊपर न पड़े। इतने में ये लड़के हम पे आ भी हो गए, इन्होंने हमें धक्का दे दिया, धक्का देने में गया गिर और ये 10-12 लड़के एक साथ हमें मारने टूट पड़े हमारे ऊपर। तो मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल थी मेरी गोट में, मैंने खींचने का प्रयास किया अपने बचाव में, निकालने की कोशिश की। इतने में आनंद भदौरिया नाम का लड़का, उसने पिस्टल जो है मेरे गोट से ही छीन ली। रुपए किसने निकाले मैंने नहीं देख पाया, मोबाइल किसने जेब से निकाला मैंने नहीं देख पाया, और ये लोग, मैं एक लड़के का कॉलर पकड़े हुए था, बाकी तो हमारा कर्मचारी हमारी लाइसेंसी बंदूक रखी थी, तो जब पिस्टल छिन गई तो हमने कहा बंदूक भाग लाओ, तो एक कर्मचारी हमारा बंदूक लेके आया और उसने बंदूक भी छीनने का प्रयास किया। जब बंदूक छीनने का प्रयास किया तो एक फिर फायर कर दिया कर्मचारी ने, जब फायर कर दिया तो फायर तो एक हो गया लेकिन वो छीना झपटी बंदूक टूट गई, बंदूक टूटी हुई रखी है, आप लोग चाहे फोटो ले सकते हैं, बंदूक भी तोड़ दी। जो हम लोगों ने एक आदमी पकड़ लिया था, पुलिस को सूचना दी, हम लोगों ने तुरंत 112 नंबर बहुत ट्राई किया लगा नहीं, फिर कर्मचारियों ने सूचना दी पुलिस को, किसने किस, हम ये भी नहीं बता पाते किस कर्मचारी ने उस समय सूचना दी। कितनी देर बाद पुलिस पहुंची है सूचना के घटना के, कितनी देर बाद? घटना के मुश्किल से मेरी समझ से 25 मिनट के अंदर आ गई पुलिस, इतनी देर में ये सब भाग चुके थे। एक जो हमने पकड़ लिया था वो ही उसे बैठाए थे, वो पुलिस को हमने हैंड ओवर कर दिया। टोटल कितना मतलब जो आपके वहां से लूट हुई और रिवॉल्वर ले, हमारी लाइसेंसी पिस्टल लूटी, मेरी घड़ी लूटी, मेरा एक मोबाइल 18,000-16,000 का होगा जो भी होगा वो लूटा, और नगद 2,20,000 रुपए मेरी जेब से लूटे, और सेल्समैन से लगभग 1,26,000 रुपए जो सुबह से लेके 12 बजे तक की सीन थी, सेल थी एक पॉइंट की वो छीनी, बाकी 3 पॉइंट ही सुरक्षित। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।